एनसीसी के गर्ल्स कैडेट्स रिपब्लिक डे परेड के अंदर हिस्सा लेंगे और उनकी तैयारी और उनकी जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड, ड्रिल का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और इस हिसाब से हमारे गर्ल्स बैंड भी एनसीसी कैडेट्स रिपब्लिक डे परेड के लिए तैयार है। फर्स्ट टाइम हो रहा है 75 ईयर्स? नहीं, हमारा एनसीसी में पहले बॉयज और गर्ल्स दोनों का कंटिजेंट हिस्सा लेता था। इस बार सेपरेट एक वुमेन कंटिजेंट सेपरेट रहे। यस यस सर, जैसे अभी आपने बताया भी कि वुमेन पढ़ रहा है सर, इसको लेकर क्या आप और जरा उसको सुविधाजनक बना रहे हैं कि और गर्ल्स अट्रैक्ट हों? एनसीसी के लिए गर्ल्स कैडेट्स 39% हो गई हैं और बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेती हैं और उनकी काबिलियत, ट्रेनिंग का और उत्साह बहुत ऊंचे दर्जे का है, तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी बोथ विद बॉयज एंड गर्ल्स के डिट्स परफॉर्मेंस। सर, इस बार कोई खास फीचर एनसीसी रिपब्लिक डे परेड में, जैसे वीआईपीज तो आ रहे हैं? वीआईपीज आ रहे हैं, मैंने स्पेशल शो या कुछ? यस, तो एक खास फीचर है, हमारे 25 कंट्रीज के प्रतिनिधि एनसीसी के इधर आएंगे। हम एक और यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे जो कि होगा वीरों की कहानी, वीरों की जुबानी। दूसरा स्किल मंथन भी होगा, जो स्किल डेवलपमेंट में जो वेरियस सुविधा उपलब्ध है उसके बारे में हम कैडेट्स को उसके बारे में जानकारी देंगे।